रियासी पुलिस ने 5 तस्करों को किया गिरफ्तार और 8 पशुओं की बचाई जान, जिसमें 2 वाहनों को सीज किया गया। आज समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं अर्जुन सिंह ठाकुर। रियासी जिला में पशु तस्करों के खिलाफ अभियान जारी है। इसी को लेकर जेडी क्षेत्र में एक नाका लगाया गया था, जिसके दौरान वहां से एक स्वराज ट्रैक्टर पराली से भरा हुआ गुजर रहा था। पुलिस ने रुकवाने का प्रयास किया और ट्रैक्टर वाले ने नाका तोड़कर भागने का प्रयास किया। ये सूचना पौनी थाने को दी जाती है और पौनी थाने के SHO सुमन सिंह मनास अपनी टीम के साथ पौनी क्षेत्र में एक नाका लगा देते हैं। उसके दौरान ही वहां से लाल स्विफ्ट कार को रोकने का प्रयास किया जाता है और कार चालक ने पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, जिसके बाद वह पुलिस को शक हो गया और साथ में स्वराज ट्रैक्टर को पराली के साथ भरा हुआ उसको भी रोका गया। जब चेकिंग की गई तब पराली के नीचे 8 मवेशियों को पाया गया। उसी दौरान 5 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 मवेशियों की जान बचा ली गई, जिसमें 8 पशु थे, जिनमें 4 गायें और 4 बैल पाए गए। ट्रैक्टर और स्विफ्ट को जब्त कर लिया गया। वहीं स्विफ्ट कार का नंबर बता दें आपको कि PV04L8888 है। ये पंजाब की कार थी और इसको जब्त कर लिया गया पुलिस द्वारा। मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तारों की पहचान आपको बता दें, अब्दुल मजीद पुत्र भल्ला शाह निवासी जम्मू, मुबारक अहमद पुत्र मोहम्मद मिर्जा निवासी बिश्ना, अकीब मोहम्मद पुत्र मोहम्मद मुश्ताक निवासी राजौरी, शामसुद्दीन पुत्र अब्दुल गनी निवासी जम्मू। इस संबंध में पुलिस स्टेशन पौनी में इस मामले को दर्ज कर लिया गया है, जिसका FIR नंबर 76/2022 है, अंडर सेक्शन 307, 147, 323, 188 IPC के तहत दर्ज कर लिया गया है मामला। मामले में दोनों वाहनों को सीज कर लिया गया है और 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। SSP रियासी अमित गुप्ता के आने के बाद ये बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है और उनके निर्देश अनुसार हर पुलिस स्टेशन में निर्देश दिया गया है, ऐसे काम करने वालों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ मुझे दें इजाजत, धन्यवाद। जेब जेब सिंह।